चलिए आगे बढ़े और अब रुक करें स्पेशल रिपोर्ट की ओर। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का खुलासा और जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की इसमें पुष्टि हुई है और बीफ सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की आशंका जाहिर की गई थी। मछली के तेल का भी इस्तेमाल, इसके भी आरोप लगे थे। जी मीडिया के पास लैब रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें इसकी पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है तिरुपति के प्रसाद को लेकर, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उन पर आरोप लगे थे कि उनके सरकार में प्रसाद में बीफ या फिर जो पशु की चर्बी है उसे मिलाया जा रहा था और अब ये रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है, जानवरों के चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीफ सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की आशंका थी जिस पर रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ ही बताया जा रहा था कि मछली के तेल का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था और जी मीडिया के पास लैब की रिपोर्ट की कॉपी आई है। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं। ईश्वर की आराधना में श्रद्धा जरूरी है और भक्तों को मिलने वाले प्रसाद में शुद्धता। लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में छल परोसा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि जगनमोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। तिरुमला लड्डू गुड़ा नासी रकम नाकैते आश्चर्य वेस्तुंदी। एन्नी कंप्लेंट चेसिना कडनाल वेंकटेश्वर स्वामी पवित्रतनु देब्बतीशारु। एन्नो सार्लु चेप्पाम अक्कड एंत दुर्मार्गंगा प्रयत्न चेशारंटे अंत दुर्मार्गंगा प्रवर्तिंचारु। నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। తిరుపతి బాలాజీ మందిర్ మే ప్రసాద్ కే రూప్ మే ఏక్ లడ్డు దియా జాతా హై। ఇస్ లడ్డు కో బనానే కీ ఏక్ ఖాస్ విధి ఆర్ నిశ్చిత సామగ్రి హోతీ హై। లడ్డు తయార్ హోనే కీ ముఖ్య సామగ్రి హై గాయ కా ఘీ। ఆరోప్ హై కీ పిచ్లి సర్కార్ మే ఇస్కీ జగహ్ ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కా ఇస్తమాల్ కియా గయా। జో పహలా జో టెస్ట్ థా వో టెస్ట్ నహీ, జో పహలా ఘీ హై वो घी वो पहले जैसा नहीं है। पहले लड्डू है कि नहीं जाने के बाद 5 दिन 6 दिन रहता था, अभी जो लड्डू है 2 दिन में खराब हो जा रहा हूँ। ये गलत बात है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गाँव वह थी आयल वाला मिष्ठान बहुत खराब चीज़ है, ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वैसे तो प्रसाद तैयार करने की पूरी विधि में शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें लड्डू का रॉ मटेरियल मशीनों के बेसिक इस्तेमाल से तैयार होता है, लेकिन लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर के ब्राह्मण पुजारी करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हाथों का घी में डूबा रहना जरूरी है, इसीलिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल घी में हुआ। लड्डू का जो पहले सुगंध था वो सुगंध नहीं है, टेस्ट नहीं है, लैंग्वेज तो कम हो रहा है। इसके बारे में चर्चा तो चल रहा है मीडिया में, उधर इधर चर्चा। हम भी सो पूरा इंक्वायरी किया तो लास्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट में ये घी जो मेन इंग्रेडिएंट है जो घी यूज़ करता है वो हाथ दबाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, ये पूरा जो बनाते हैं ना वो लड्डू क्वालिटी में अडल्ट्रेशन होया बोल के सुना। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। स्वामी भक्तुलेवरू कूडा ई रकंगा माट्लाडडानिकि साहसिंचरु। दीन्नि चूस्ते ओकंदरिकी कूडा ओक अनुमानं, चंद्रबाबु नायडु निजंगा वेंकटेश्वर स्वामी भक्तुडा लेदा चंद्रबाबु नायडु गारु वेंकटेश्वर स्वामिनि कूडा राजकीयालकु वाडुकोवडानिकि ओक साधनंगा। जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है।
प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी शुद्ध है या फिर उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, इसको लेकर एक जांच करवाई गई। प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया। एनडीडीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की बात कही है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि मिलावट जानवरों की चर्बी की है या फिर किसी और चीज की। तिरुपति से शेषागिरी, जी मीडिया।